जब भी तुम्हारी चंद्रकांता पर कोई मुसीबत आई है, ढाल बनकर तुमने उसे बचाया है। आज फिर हमें तुम्हारी जरूरत है। दुनिया तुम्हें नायकों का महानायक कहती है, पर हमारे लिए तुम वीरू हो, वो वीरू जिससे हमने प्यार किया था। तुम्हारी चंद्रकांता शिवदत्त की कैद में है वीरू, और तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमें यहां से छुड़ा लो वीरू। बहुत अफसोस की बात है राजकुमारी कि तुम किसी की वधु नहीं बन पाई, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। वादे के हम भी बहुत पक्के हैं राजकुमारी, किसी की नहीं, नौगढ़ की नगर वधु बनाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे राज दरबार में नर्तकी बन राज दरबारियों का दिल तो लुभाना ही होगा। भले ही हमें कितने भी भागों में बांट दो शिवदत्त, तुम्हारी ये हसरत हम पूरी नहीं होने देंगे। जो जिद ना करे वो हुस्न है क्या, और ऐसे हुस्न के साथ खेलने में हमें बहुत मजा आता है राजकुमारी। तुम अपनी चिंता करो, वीरेंद्र सिंह आने वाला है। अच्छा, इतना विश्वास है उस खूंखार पर? हाँ, हमें विश्वास है अपने प्यार पर। भैगो पानी इस पर। तुम्हारी प्रजा के सामने निर्वस्त करूंगा मैं। हारा जाएगा ये लक्कर हारा, और सारे आम नीलामी होगी इज्जत तुम्हारी। मेरी तुम में से किसी के साथ भी जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम करूंगा। समझे कि नहीं? दुश्मनी जाती नहीं इनसे, पर रिश्ता तो जाती है मुझसे। पुत्र का रिश्ता तो तू निभा ना सका शूरवीर वीरेंद्र, अब दुश्मनी का रिश्ता बखूबी निभाइए। प्रहार करो मुझ पे। आज मत रोकिए मुझे। मैं कहां रोक रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रहार कर, दिखा अपना पौरुष अपने पिता पर, दिखा अपनी शक्ति। रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। एक योद्धा है ना तू, और ये रणभूमि है, संकोच मत कर, वार कर मुझ पर। रणभूमि में कोई पिता कोई पुत्र नहीं होता, वार कर अपने पिता पर। रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए,
चंद्रकांता को मेरी जरूरत है। पिताजी रास्ते में आ गए तेज सिंह, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूं, तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। भ्रमित तो आप अब तक थे, किंतु अभी सही मार्ग पर आए हैं आप युवराज। क्या कहा तुमने? युवराज? युवराज नहीं हूं मैं, खूंखार हूं। यही तो वो सच्चाई है जिससे आप वंचित हैं। आप युवराज हैं, आप नौगढ़ के युवराज हैं, आप खूंखार नहीं हैं। चुप करो। तुम फिर से कोई अय्यारी का खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं समझाता हूं। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज मैं चंद्रकांता को बचाने जा रहा हूं तुम्हारे आकाश से। आका वो नहीं आप हैं। मुझे बातों में मत लगाओ तेज सिंह, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। आपके असली माता पिता महाराज सुरेंद्र सिंह और रानी पद्मिका है। शिवदत्त को सच्चाई का पता चल गया, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया। मैं आपके भी शरण लेना चाहता हूं युवराज। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम फिर मुझे मारना चाहते हो शिवदत्त के कहने पे। ये बस तुम्हारे साथ युवराज, ये खुदा बख्श मेरा वफादार राजकुमारी चंद्रकांता का संदेश मैंने ही आपके पास भिजवाया था। शत्रु नहीं हूं मैं आपका। चंद्रकांता? और एक नौगढ़ के अय्यार पर कैसे विश्वास करूं मैं? मुझ पे ना सही, पर राजकुमारी चंद्रकांता पे तो विश्वास कर सकते हैं ना आप। उन्होंने खुद मुझे अपनी अंगूठी दी थी। इस अंगूठी में हमारा संदेश है जो तुम्हें वीरेंद्र सिंह तक पहुंचाना है कि शिवदत्त ने हमारा अपहरण कर लिया है। आपको सिर्फ नौगढ़ का युवराज बता के वापस बुलाना संभव था, इसलिए स्वयं उन्होंने अपने अपहरण की योजना बनाई थी शिवदत्त के हाथों। तुम्हें क्या लगता है हम इससे डर जाएंगे? ना ना राजकुमारी, ये आपके लिए नहीं है, ये तो लेके आओ ना।
तुम्हारे पास वजह हो सकती है दर्द सहन करने की, पर इनका क्या? जरा सोचो राजकुमारी, जब कोड़े इनके जिस्म पे बरसेंगे, इनकी चीख निकलेगी, तो कैसे सुन पाओगी इनकी चीखें तुम? रुक जाओ शिवदत्त, भगवान से डरो बेटा। आज माँ बाप के रिश्ते को तो भूल गए हो तुम, क्योंकि तुझमें हमारा अंश नहीं ना, पर इंसानियत के रिश्ते को तो याद रखो बेटा। अरे बड़े नाजों से अपने दिल के टुकड़े की तरह पाला है हमने तुम्हें, अगर परवरिश का लिहाज नहीं कर सकते तो इंसानियत का तो लिहाज करो बेटा। इसकी उम्र, इसकी बेबसी में तो रहम खाओ बेटा। झूठ, झूठ बोलने की सजा मिलेगी इसको। बच्चों तक इसने छुपाए रखा कि हम इसके पुत्र नहीं आ रहे, इसकी तो खाल उधेड़ देंगे हम। रहम करो बेटा। रहम ही तो नहीं होता है कमबख्त हमसे। रुक जाओ शिवदत्त। तुम जो भी कहोगे हम करने को तैयार हैं। वाह क्या बात है, चोट इधर लगेगी और जख्म उधर उभरेगा। बहुत जल्दी मान गई आप राजकुमारी, क्या हुआ अभी तो बड़े बड़े बोल बोल रही थी। कोई बात नहीं, अब जब आप मान ही गई हैं तो फिर इंतजार कैसा। दासियों, दासियों ले जाओ इसे, और नर्तकी के वस्त्र और आभूषण पहना कर लाओ, लेकिन जल्दी आना, क्योंकि चंद्रकांता को नृत्य करते हुए देखकर आज तो चांद भी शर्मा जाएगा। लेके जाओ। कुमारी जी, चपला चंपा, तुम दोनों यहाँ? हम लोग आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं राजकुमारी जी, जहाँ आप वहाँ हम। राजकुमारी जी, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, पर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा सही समय का। हाँ राजकुमारी जी, अब जैसा जैसा शिवदत्त कह रहा है वैसा वैसा करते रहिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मौका मिलते ही हम दोनों अपना काम कर देंगे। क्या लग रहे हो क्रूर सिंह, ऐसी सज्जा? बारात में जा रहे हैं या युद्ध करने क्रूर सिंह? कैसी बात कर रही हैं आप रानी साहिब?
युद्ध की पोशाक पहनी है रानी साहिबा, तो युद्ध के लिए ही जाएंगे ना। आप दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हमारी आंखों में नहीं क्रूर सिंह। सच सच बताइए, क्या खेल खेल रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब यह है रानी साहिबा कि हमें अपनी सेना को लेकर नौगढ़ जाना है और शिवदत्त के साथ मिलकर चुनारगढ़ पर हमला करना है। कमबख्तों ने हमारी राजकुमारी जी का अपहरण कैसे कर लिया? अच्छा, राजकुमारी जी का अपहरण खूंखारों ने किया है या आपने करवाया? क्रूर सिंह, कैसी बात कर रही हैं आप महारानी? राजकुमारी जी का अपहरण और हम भला उनका अपहरण क्यों कर रहे हैं? नाटक बंद करो क्रूर सिंह, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके दिल में क्या है, हमें बस सच जानना है। सच बोलो क्रूर सिंह। हम कसम खाकर कहते हैं आपको रानी साहिबा, राजकुमारी को हम आज तक नहीं आने देंगे। हम पर विश्वास कीजिए, बस हमारी एक ही चिंता है, अगर महारानी रत्न गर्भा होश में आ गई तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वो देखिए, आपके स्वागत के लिए शिवदत्त ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। महाराज के आदेश के अनुसार नवगढ़ की चारों दिशाओं में हमारी सेना तैनात कर दी गई है। हमारे सैकड़ों तीरंदाज हमारे आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी एक इशारा मिलते ही वो किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। आने दो उस वीरेंद्र सिंह को, शेर का शिकार करने का मजा ही कुछ और होता है ना? किंतु चिंता मुझे इस बात की है कि शिवदत्त के चतुरंगी सेना के चक्रव्यूह को तोड़कर आप अभी तक प्रवेश कैसे करेंगे? दुनिया का सबसे अव्वल अय्यार तेज सिंह मेरे साथ है, और नौगढ़ में घुसना कैसे है ये भी अब मैं बताऊं। मजा फरमाया आपने, नौगढ़ का युवराज प्रमुख द्वार से प्रवेश ना करे तो लानत है तेज सिंह पे। एक बात और तेज सिंह, मैं कोई युवराज नहीं, मैं खूंखार था और खूंखार ही रहूंगा। चलो। आज का दिन नौगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज नौगढ़ के पूर्व राजा और रानी को राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए सजा दी जाएगी। पर उससे पहले आप सब एक और बात के भी साक्षी बनोगे। आज पहली बार आप सबका मनोरंजन करने के लिए
किसी नगर की राजकुमारी को बुलाया गया है जो विजयगढ़ से खास आप सबका मनोरंजन करने के लिए आई हैं। स्वागत किया जाए राजकुमारी चंद्रकांता का। राजकुमारी जी, खामोश रहो, चुपचाप अपना काम करो।